Arbaaz, you saw us kissing. Was that the most hot scene of your life? Most hot. मैं हूं सुधा आपका नन एक सिटके जरा हटके और मेरे साथ है जवानी के बेताज बादशाह. जवानी इनसे शुरू होती है और खत्म होती है. अरबाज खान के लिए तालियां प्लीज एवरीबॉडी कम ऑन. यस बेबी. और राइट में है मेरी गर्लफ्रेंड महक. तालियां उनके लिए प्लीज. मैं क्या कहा? गर्लफ्रेंड. किसकी? मेरी. हाय कुछ बोलो यार. और उनके बगल में है उनके बेस्ट फ्रेंड, हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, अश्मित पटेल के लिए तालियां. कहते हैं ना कि शादी होने के बाद आप बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं और शादी करने के लिए आपको बेस्ट फ्रेंड्स होना बहुत जरूरी है. तो यू आर राइट, बेस्ट फ्रेंड्स, लवर्स, सोलमेट्स, सब कुछ. तो हमारी शादी हो गई है कि नहीं अभी? होने वाली है. अच्छा होने वाली है. आपके डेट्स के लिए रुके हम लोग. मेरे डेट्स के लिए? फॉर मी टू गेट मैरिड टू हर एंड यू टू वॉच? नो नो नो, योर डेट्स टू बी इनवाइटेड एज अ प्रीस्ट. अच्छा, एज अ प्रीस्ट. तो जितना साफ सुथरा क्लीन एज द बीस्ट. व्हाई डू यू कॉल मी अ बीस्ट? लुक एट योरसेल्फ मैन, लुक एट बिटवीन द थ्री ऑफ अस, हु लुक्स लाइक द बीस्ट? I can't look at between. माने मैंने समझा नहीं, पर ये मुझे बताओ कि why can't he be the priest? क्योंकि इतने अच्छे इंसान हैं, सुशील हैं अरबाज भाई. आप क्यों नहीं बनते इनके वेडिंग में प्रीस्ट? मैं बन सकता हूँ अगर ये बोलेंगे तो. हाँ बने. He's the best man. क्या बात करें, अभी तो वो सिंगल है. What are you saying? That's he's the best man. He's a older brother, my older brother. Yeah, he'll be invited as the best man, bhai, from the boys' side, not from the girls. No, but what I want to know is why don't you want Arbaaz to be your elder brother? आप इतना object क्यों कर रही हैं? इतने handsome इंसान को कौन अपना भाई बनाए? मैं तो नहीं बनाऊंगी. Brother-in-law बन जाएंगे. चलेगा. ऐसा तो नहीं हो कि पैरेलल लव स्टोरी यहाँ चल रही है? क्या नहीं, रहे? नहीं, बट एक चीज बताओ. इसका इंटरव्यू करो, इसके लिए आए पीछे. जो पीछे इसके लिए आए. निर्दोष है हम लोग. तुम लोग निर्दोष हो? हाँ जी. तुम किस बात की निर्दोष हो? जो आप सोचो मैं उन सब चीजों के और उसके साथ एक्स्ट्रा निर्दोष हूँ. तुम तो कभी निर्दोष हो ही नहीं सकते मेरी जाने बाहर. गिल्टी 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 ऑफ व्हाट? एवरीथिंग. Being so handsome, being such a stud, being such a great actor, I love being the best boyfriend, fiance, husband. इतने मासूम, निर्दोष लोग हैं. और इतने हम्बल भी हैं. अपनी तारीफ तो हम लोग करते नहीं हैं. तो मतलब फूट फूट के निकल रही है. और आप किस बात के निर्दोष हैं भाई? नहीं भैया, मैं गिल्टी अगेन लाइक यू सेड ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. नो बट आई टेल यू व्हाट, अरबाज भाई के बारे में है, वो लगते हैं बड़े शरीफ से, बट आई थिंक ही इज द बिगेस्ट बदमाश ऑन द फेस ऑफ दिस प्लैनेट. व्हाट डू यू हैव टू से? I'll say it. I'll make it easy for them. You're right. He has a very quirky sense of humor. और उनकी बदमाशी उनकी जो humor में से निकलती है. But otherwise he's a very very. I've seen him जब से मैं industry में था भी नहीं तब से मैं देख रहा हूँ उनको. And he is, I think, a fantastic human being. And जो शक्ल से दिखते हैं ना, in his like purity दिखती है, वो है वैसे. No, absolutely. In fact, I trust all my girlfriends with Arbaaz bhai. He drops them home, fetches them in the morning and all that. इतना हम लोग trust करते हैं कि नहीं? Right. One second. Salit, तेरी शादी हुई है ना? तो girlfriends, Mrs. Kannan, are you listening to this? But you know, I have to tell you, there are amazingly steamy scenes between both of you. So is both of who? अरबाज और अश्मित के बीच में. अच्छा आप बोल रहे हो बोतो भी ये बात कर रहे थे तो मुझे एग्जैक्टली आप क्लियर करो पहले. नहीं नहीं, तुम दोनों के बीच में, महक और अश्मित. अच्छा, सो इज ही अ ग्रेट किसर? सच बोलूं या झूठ बोलूं? सच. नो नो, सच के सिवा कुछ मत बोलो. ये शर्म आ रही है, अभी मत पूछो ये सब. हां बताओ, ऑन अ स्केल ऑफ 10 बीइंग द हाईएस्ट. नो प्लीज, आई एम नॉट डूइंग दिस, कम ऑन. व्हाई डोंट यू आंसर? आई मीन, आई हैव नेवर किस्ड अश्मित इन दिस लाइफ. डू इट टुडे. You want me to kiss Ashmit? Yes. In the next interview, tell us. Do it today. You want me to kiss Ashmit? Yeah. If you want to find out. Check my Insta stories just now. इसने अभी इधर आ. एक पप्पी. किस करेंगे? Blah blah blah. Cheap. And Arbaaz, skink has come alive. Ajoo. Aja. Arbaaz, you saw us kissing. Was that the most hot scene of your life? Most horrific scene of my life. Oh God. Horrifying. But I'll tell you, Arbaaz, when you're holding that gun in the film, you're looking menacing. I like that whole. Stud wala look. Looks like you were born with a gun, yeah. I mean, it was meant to be in your hand. Yeah, you're born with a gun. Yeah, I mean, you look like you're born to be a cop. Okay, got it. You're right. I played cops in like quite a few films, and I think those roles go down well with me. Yeah. Yeah, he looks very handsome. And a gun looks nice in my hand. Of course. Gun. If you had one gun, and if you had a gun in your hand, who do you like to shoot? You. You, for sure. I would shoot you with
Anything. Good. अरे I've complimented you. मैंने कहा जवानी के बादशाह. I don't need a gun. I would shoot you with anything. जवानी के बादशाह. How many MG does he need? Ashmit. No, he's doing well without. He's doing well without. यार तुम लोग 12 साल दोस्त थे, right? उस समय तुम्हें ये नहीं लगा कि मैं इसको पटा लूँ? 12 साल बाद पटाने लगे तुम? थोड़ा time लगा. उस वक्त हम सिर्फ दोस्त थे. नहीं लगा, लेकिन इतना एटीट्यूड था कि मैंने कहा कि छोड़ो यार, कौन इतना, कौन इतने पापड़ बेलेगा, फॉरगेट इट, देयर आर मोर मेनी फिश इन द सी. नहीं नहीं, तब बचपना था, अभी बड़े हो गए. तो यू मीन टू से ही हैज बिकम मैच्योर? मच मोर. वो ब्रदर, आई हैव बिकम मैच्योर बिकॉज़ आई हैंडल हर एटीट्यूड. महक के पास एटीट्यूड है, ये तब से महक के बारे में एटीट्यूड बोल रहे हैं. आई मीन आई लाइक हर, शी इज सच सिंपल गुड गर्ल. ये क्या एटीट्यूड बोल रहे हैं भाई? नो नो एटीट्यूड. महक इज वंडरफुल. Meghna? Yeah, she's very hard working and in this film she's done very well. So that's like good. Yeah. Good. Thumbs up, yeah. Thumbs up, though. Sab log thumbs up, though. Absolutely. मैं अपने आप के thumbs up दे रही हूँ. Thank you so much for the compliment. But यार तुमने उसको propose किया in a plate of strawberries with a ring in it. सब पता है तुझे. हाँ? सब पता है. Yeah, baby. Arbaaz भाई भी कर चुके हैं ये. अच्छा plate में? हाँ. अच्छा. Plate में he uses strawberries to. Anyways, आप बताइए. What was that plate strawberry thing? Did she take the strawberry first or the ring first? She actually didn't even notice कि एक कप अपसाइड डाउन रखा हुआ है और एक्चुअली जो रिंग है वो कप के नीचे था. सो व्हेन द वेटर ब्रॉट इट ही सेड देयर्स समथिंग स्पेशल देयर. शी डिडन्ट रजिस्टर. शी इज पुशिंग द स्ट्रॉबेरीज टुवर्ड्स मी. आई वाज लाइक नो नो दिस इज फॉर यू. और उसके नीचे कुछ स्पेशल है. फिर भी रजिस्टर नहीं हुआ. आई हैड टू पिक इट अप एंड शो इट टू हर. फिर रजिस्टर हुआ कि वहाँ पे एक अंगूठी है जो मतलब एंगेजमेंट रिंग है. देन आई हैड टू गेट डाउन माय नीज. और एक्चुअली ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि शी पॉइंटेड आउट टू मी कि आई वॉज सो नर्वस एंड आई वॉज सो ये मतलब कौन से हाथ पे कौन से उंगली पे जाएगा रिंग. आई फॉरगॉट इवन आस्क विल यू मैरी मी. पूछा भी नहीं, पूछा भी नहीं. मुझसे शादी करोगे? आई वाज आस्किंग कौन सी उंगली पे, डिस्कस करें कौन से हाथ में, कौन से हाथ में. तो बट व्हाई कांट यू आस्क हर नाउ? अरबाज भाई वी कैन सी इट राइट, यू फॉरगॉटन दैट, सो यू कैन आस्क हर नाउ. व्हाट आई कहने का मतलब है कि चांस है अभी तक, क्योंकि शी इज नॉट सेड यस बिकॉज़ आई हैवन आस्क्ड द क्वेश्चन. माय गॉड, सो आई स्टैंड अ चांस. या Arbaaz bhai also stands a chance. You know, listen, yeah. Keep me out of it, dude. You do. No, but she just said, I don't want Arbaaz as a brother. Yeah, so I am not going to get married now, man. Chill. You want to be a beast all your life? All my life, man. Like you enter a club and you say, I'm done there, been there, done that. Yeah. 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 I mean, abhi batao, have you seen this beastly side of Arbaaz on the sets where he's sitting in one corner and women are saying, ooh, that's Arbaaz. Ooh, that's Arbaaz. Yeah, she used to say it all the time. नहीं लेकिन he doesn't do anything. He just sits there quietly, thinks about what next he can order, some food and something. And next joke with, with him crack. I used to always, because I have a huge appetite just like him. तो हम हमेशा सोचते कि next क्या मंगाए खाने के लिए. But girls I could see all around him, all around drooling. They were drooling. They had saliva oozing out. Yes, and I take, and I, that's a huge compliment to me because a lot of people say I look a lot like him. Oh, same. Wow. Do you feel he looks a lot like you? Without the beard, maybe, yeah. Without the beard. Do you, that's why you've fallen in love with Ashmit, because he looks like Arbaaz Khan. Yes, because he looks what like an Arbaaz. What the hell is happening, man? Yeah. Dude, where are you deviating? Yes. So it was shadishudat, so I had to just settle here. My God, breaking news, dosto. She wanted a second-hand option. So Ashmit is a second-hand. The first one was at that either, time booked. Either. Concentrate on the movie. Concentrate on the movie. I'm so. Maybe in Nirdosh. But, you know, Arbaaz obviously has this fun side, but when he gets into the set, is he like the boss there, or is he only focusing on work? What is it? He's quite serious actually. At he's work. Very focused on what he has to do, but he doesn't impose on you as a senior, or you know, because he's produced and directed films also. He doesn't have that aura, like, you know, jo main keh raha hu is the end all and be all. He's just like the rest of us. He makes you feel like you're a contemporary and a colleague who's just as you know, equal as him. No, but Arbaaz has no senior wala thing about him. He's got such a cool vibe, yeah. Absolutely. Yeah, but there's no reason for that, na. I mean, we're all colleagues and we're all doing our part and we're all doing it as good as we can. And it's great fun, yeah. And I know them. I've known them for years. So it's like, you know, when you meet people who you know on the sets, the equation is also a little different. So we share a damn good rapport. And so it's you wonderful. Mean you've seen Ashmit and Mehak in their diapers? Us samay se. No. Huh? Not so early. अरे थोड़ा उसके बाद व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार. हम सब हम उम्र के ही हैं.